साथ में गर्मा गर्म देसी घी वाली दाल। राधे राधे फ्रेंड्स, तो आज बन रही है लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के बढ़िया सी अमृतसरी भुर्जी। अमृतसरी भुर्जी फरीदाबाद में? हाँ। लो जी, हमें भी देख लो। तो आज जो है हम आपको रेसिपी थोड़ा व्लॉग स्टाइल में दिखाने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल प्रियाज एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप सब? और साथ में मेरे कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरामैन, उनको भी देख लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। तो ये है मेरे हस्बैंड और मेरे कैमरामैन। आज के लिए आज तक नहीं करी इन्होंने शूट, पर आज ये मेरी रेसिपी शूट करेंगे। हाँ, आज ही तुम्हारी बढ़िया रेसिपी बनेगी एकदम। तो चलो बनाते हैं। अमृतसरी तो पहले बताया तुम्हें, कैसे शुरू करते। तो गाइस, अमृतसरी भुर्जी के लिए पहले दही लिया है हमने 3/4 कटोरी और उसको फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूखे मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से, हल्दी, बस आलू मसाला और ये है हमारे पास शाही पनीर मसाला। आप मसाले अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, किचन किंग भी डाल सकते हैं, कोई सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, तो मैं ये 2 डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई कसूरी मेथी। बस भी करोगे, कटोरी से बाहर निकाल लोगे सामान। रेसिपी बताने दें आप, बीच में ना बोले। और ये अब हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। म्यूट कैमरा मैन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बोलने वाला चाहिए लेकिन थोड़ा कम बोले ताकि रेसिपी भी सुना सकूं। ठीक है ना गाइस? तो बताना आप अगर आपको हमारा ऐसा व्लॉग स्टाइल रेसिपी मकबैंग पसंद आएगा तो ये बनाने के बाद आपको खा के भी दिखाऊंगी। तो हम इस तरह से बनाएंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे। ये उट्टन बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है, लगा लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा सब्जी में बना लेती हूँ, बाकी आपके फेस पे लगा दूंगी लाल मिर्चों वाला। ठीक। अब सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा और अब जाएगी बारीक कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हम अदरक को भून लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें फ्रोजन मटर, सब्जियाँ आप जो चाहो डाल सकते हो, हमारी विदाउट अनियन गार्लिक भुर्जी है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर पिसा हुआ। इस टमाटर के अंदर भी हमने हरी मिर्च पीसी हुई है। वेरी गुड, मैं भी बना रही जैसे सिखाया था तुमने। थैंक यू शेफ। तो ये रेसिपी मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है, ऐसा कि ये कह रहे हैं जिनको कि शायद सिर्फ मैगी बनानी आती है। नहीं, आता है, आता है, कुछ और भी आता है गाइस। किसी दिन इनसे भी बनवा के आप फिर खा के बताएंगे। तो हमारे टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए इसके लिए हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं इसमें। ये जो टिप मैंने तुम्हें दी थी है ना? यस यस। ऐसी टिप्स गाइस आपको आपके हस्बैंड वगैरह से मिल जाती हैं क्योंकि इनको हम खूब नमक लगाते हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें हमारा ये दही। दही डालते ही हिलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। तो ये देखिए, मैंने गैस जो है वो लो कर दी है क्योंकि फुल गैस पे आप दही डालने के बाद हिलाएंगे तो फटने का डर रहता है। अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। देखा वीडियोग्राफी तुमने, एकदम नीचे आके फ्लेम फिर ऊपर गैस दिखाई है। ओह माय गॉड। अब हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हींग डालना भूल गई मैं गैस लो करके। मैं सामने नर्वस हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ। बस अब ये कैमरा मैन है तो मैं नर्वस हो गई हूँ। तो मैं अभी हींग डाल दी है और अब इसको ढककर एक बार और हम पका लेंगे जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता। देखो, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। कैमरामैन को ना जरा सिखाना पड़ेगा वीडियोग्राफी। देख रहे हो तुम कितनी परफेक्ट वीडियोग्राफी। परफेक्ट हो जाएगी धीरे धीरे। खाने से पहले हम बना लेते हैं अपने लिए लच्छा पराठा। नॉर्मल आटे, गेहूं वाला आटा है, कुछ मिक्स नहीं है इसमें। पहले एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। अब इस पर हम डालेंगे ऑयल, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्का सा सॉल्ट।
अब ये सब कुछ हम मिक्स करके अच्छे से फैला लेंगे अपनी पूरी चपाती पे। अब हमारे लच्छे बनाने हैं हमें, और लच्छे बाद में अलग अलग हो जाएं इसके लिए हमको इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा छिड़कना बहुत ज़रूरी है। बनाते हैं लच्छे। लो जी, बन गए लच्छे। अब हम इसे करेंगे ऐसे इकट्ठे, इस तरह से इसकी एक रोल स्पाइरल बना के थोड़ा इसको लंबा कर लेंगे। ठीक है, अब बना देंगे हम इसकी जूड़ा ऐसे, और ये डाल दिए अंदर। इस पे हल्का सा लगाया ऑयल, अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखो लच्छे, देख रहे हो, ओए ओए, लच्छा पराठा मेथी वाला, क्योंकि इसमें हमने सूखी कसूरी मेथी डाली है। इसके साथ जब हम अपनी पनीर की भुर्जी खाएंगे, साथ में दाल भी लेंगे। सब लंच कर चुके हैं घर पे, अब मेरी बारी है, अभी हम अपनी थाली सजाएंगे। लो जी, गरम तवे पे डल चुका है। लो जी, मस्त करारा करारा लच्छा पराठा। तो जी, अब अपनी लंच थाली सेट कर लेते हैं। चने की दाल जी, ये आ गई हमारी भुज्जी, साथ में आ गया हमारा पापड़, और खाने के साथ मूली का कचरा सैलेड। कचरा नहीं है भैया, बस एकदम बढ़िया सैलेड है। हम निचोड़ेंगे नींबू, मुंह में पानी आ गया नींबू निचोड़ते निचोड़ते। और अब मूली के सैलेड पे काला नमक, नींबू एंड काला नमक। ये खाने के बाद कहीं और जाने वाली हो तुम, मूली के ऊपर काला नमक? नहीं, ये हमारा लच्छा पराठा लच्छेदार। ये देखो जी, ये आ गया लच्छा पराठा। अब मुंह मीठा कैसे नहीं करेंगे हम, तो मुंह मीठा करने के लिए हमारे पास है पान पेठा स्पेशल फ्रॉम वृंदावन। तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स आपको हमारी शानदार लंच थाली, दाल, पनीर भुर्जी, पापड़, लच्छा पराठा, मूली का सैलेड और पान पेठा। मेरे तो मुंह में पानी भर चुका है, चलो अब इसको चखते हैं। गाइस, तो हमारी लंच थाली सज चुकी है, पानी का गिलास आ चुका है। शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम, राधे राधे। लच्छा पराठा, ओहो, गर्मा गर्म अमृतसरी पनीर भुज्जी, और जी ये हमारी चनिया वाली दाल, पहली बाइट आप सबके लिए। मुँह खोल लो। राधे राधे। गजब, पंजाबी मसाला पापड़, सच्ची में ये आनंद होता है फ्रेश गर्मा गर्म घर के खाने का। और हाँ, मस्त मसालेदार भुर्जी, साथ में गर्मा गर्म देसी घी वाली दाल। तो क्या खा रहे हो आज आप लंच में, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। आज कौन कौन पनीर की डिश खा रहा है? देखो आज मैंने राइस नहीं रखा फॉर अ चेंज, विंटर्स आ रही है ना, मौसम बदल रहा है, तो ये पराठे शराठे खाने का मन करता है ज़्यादा, इसलिए आज मैंने राइस नहीं बनाया। लो जी, आई लव मूली, विंटर्स में तो मूली का सैलेड मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, आपको
ये व्लॉग स्टाइल वाला मकबैंग कैसा लगा बताना। पसंद आएगा तो फिर मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड की हेल्प से कैमरामैन बनाकर, जो कि वो अभी भी बने हुए हैं लेकिन अभी मैंने उनको म्यूट पे रखा हुआ है, ऐसे ही बनाऊंगी। और देखो एक पराठे की डाइट है, इतना तो मैं खा के आपको दिखा दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। आहा लच्छे देख लो, लच्छे ये देखो, क्या ज़रूरत है हमें होटलों की खाने की, सब कुछ घर में मस्त बनता है। बस प्यार से भगवान का नाम लेते हुए दिल से बनाओ छक्के पाओ। लच्छों का जरा नाड़ा बांधू, टू गुड सच्ची में। मूली खत्म हो गई भाई मेरी लास्ट बाइट के लिए। ये हम बड़ी सी लास्ट बाइट बना लेते हैं। तो ठीक है, हमने सारा समेट लिया है, मजा आ गया, आनंद आ गया। गजब। चीयर्स। जाने से पहले मुंह मीठा कर ले। देखो जी जरा हमारा पान पेठा, देखो आप वृंदावन से अंदर गुलकंद वाली स्टफिंग भरी हुई है। ओए राधे श्याम। नारियल भी है, यम्मी। फ्लेवरफुल। पता है ये पान पेठा ना दो दिन से आया हुआ है घर में, पहले भी खाया मैंने, लेकिन जो स्वाद मुझे आपके साथ खाने में आया ना पहले नहीं आया, सच्ची कह रही हूँ कसम से। कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग स्टाइल मकबैंग? अच्छा लगा, मज़ा आया तो भर भर के कमेंट्स करो। और जो वीडियो के शुरू में मैंने कमेंट दिखाया है ना, वीडियो में किस टाइम पर वो दिखा वो बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को शाउट आउट मिलेगा। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा बनाओ और इन्जॉय करो लाइफ। लव यू ऑल। राधे राधे।